अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरे जो छोटे भाई हैं ना, वो मेरे साथ यहाँ पे होते हैं। उनको तकरीबन 4-5 महीने से सीने के मेदे के ऊपर दर्द है और उनकी कुछ नाफ भी टल गई है। और दूसरा, अब उसको नाफ के नीचे सारा प्रेशर नाफ के नीचे है, टांगें खींची हुई हैं और उनके मतलब टांगों में दर्द, पैरों में दर्द, खाना नहीं खा सकता, भूख नहीं लगती उसको। और अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि उसको क्या प्रॉब्लम। इसको कहते हैं नाफ पड़ जाना। पहले साइंस इस चीज को नहीं मानती थी, अब मेडिकल साइंस ने भी इसको कहा है कि ये होता है। पहले साइंस, मेडिकल साइंस कहती थी कि बादी कुछ नहीं है, अब वो कहती अब है। पहले डॉक्टर कहता था हर चीज खाओ, अब डॉक्टर ग़िज़ा का शेड्यूल देता है, ये ना खाओ ये खाओ, ये ना खाओ ये खाओ। देसी जो तहकीकें हैं वो सदियों हजारों सालों से हैं। आपको इसकी बेहतरीन तरकीब बताता हूं। पाँव के दोनों अंगूठे बांध लें, ये मेरे हाथ के अंगूठे हैं ना, इस तरह पाँव के दोनों अंगूठे किसी मोटी रस्सी से बांध लें और बांध के अपने जिस्म को ऐसे अकड़ाएं सीधा, और हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे हों जमीन पे लेट के, और पाँव सीधे हों, और सिर्फ 5 मिनट तक ऐसे लेटे रहें। और दिन में 2-3 दफा ऐसे कर लें, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और एक दवा बताता हूं, किसी भी दवाखाने की, अच्छे दवाखाने की बनी हुई जवारिश जालीनूस, किसी भी दवाखाने की बनी हुई जवारिश जालीनूस, हाँ, मेरे दवाखाने की बनी हुई नहीं है, आप ले लीजिए और 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाएं, 2-3-4 डबियां खा लें, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह।